अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिनिश कौसर रफीउद्दीन फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ JET आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वीमेन मालेगांव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड विच इज़ द टॉपिक ऑफ MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड 130 CHI 130 सेक्शन सेकेंड, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस वॉट इज़ हाइड्रोजन एंड वट आर द हाइड्राइड्स एंड what are the compounds of hydrogen. So let us see first of all what is hydrogen. Hydrogen is the first element in the periodic table. It has the simplest atomic structure, having only one proton and only one electron. In elemental form it exists as diatomic molecule or H2 molecule, is called as dihydrogen. Hydrogen combines with other elements by losing, gaining or sharing of electron. So this is all about hydrogen. Now next one we will see what are hydrides. Hydrides are binary compounds that hydrogen forms with other element of periodic table, that is called as hydrides. And also hydride is known as negative ion of hydrogen, which is called as hydride ion. Because of this negative charge, hydride have reducing or basic properties. Next one is types of hydrides. There are three types of hydrides depending upon the behavior and nature of the bond. Bond ke nature ki basis par aur unke behavior ki basis par unko three class mein categorize kiya gaya hai. फर्स्ट है आयोनिक हाइड्राइड, सेकेंड कोवेलेंट हाइड्राइड एंड थर्ड वन इज़ मेटैलिक हाइड्राइड्स। सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट इज आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटैलिक हाइड्राइड्स। फर्स्ट वन इज़ आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स आल्सो नोन एज सलाइन हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स को सलाइन हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली जो है आयोनिक हाइड्राइड इस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में जो है वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। सो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है जनरली NaCl की स्ट्रक्चर की तरह होता है और उनकी जो पैकिंग रहती है वो NaCl की पैकिंग से सिमिलैरिटीज़ हैं उनके अंदर, इसलिए इनको जो है सलाइन हाइड्राइड्स भी जो है वो बोला जाता है। आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। In this, hydrogen acts as hydride ion and bound with most electropositive metal atom. They are usually binary compounds and are insoluble in solutions. For example, lithium hydride, beryllium hydrides and magnesium hydrides. Next class is covalent hydrides. Covalent hydrides are also known as molecular hydrides. These hydrides are formed by sharing of electron, and p block elements form this type of hydrides. That means p block elements form the covalent type of hydrides. Covalent hydrides are volatile in nature. Covalent hydride ko jo hai further classify kiya gaya according to the relative number of electron in their Lewis structure, and these are electron deficient hydride, electron precise hydride and electron rich hydrides. So first one is electron deficient hydride. Electron deficient hydride name itself indicates, that means ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स। दैट मीन्स द हाइड्राइड्स विच डू नॉट हैव सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड। ऐसे हाइड्राइड्स जिनके पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सफिशियंट अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल डायबोरेन B2H6। ओके, जनरली जो है
पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी जो है ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स हैं, मतलब बोरॉन फैमिली जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट टाइप के जो हाइड्राइड है वो फॉर्म करती है। सेकेंड क्लास इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, दैट मीन्स ऐसे हाइड्राइड्स जिनके पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनको जो है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बोला जाता है। दी हाइड्राइड्स विच हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। जनरली ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सो दीज कंपाउंड्स और दीज एलिमेंट्स फॉर्म दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल CH4, SiH4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स दैट मीन्स दीज द कंपाउंड्स विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। दैट मीन्स दीज हैव द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जनरली जो है ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स जो है वो फॉर्म करते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स को फॉर्म कर सकते हैं या फॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया, NH3 और HF। सो इन तीनों के पास, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी, और हैलोजन के पास भी जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दीज ग्रुप्स और एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स कैन फॉर्म द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड, दैट इज मेटैलिक हाइड्राइड्स। मेटैलिक हाइड्राइड्स को जो है जनरली मेटैलिक हाइड्राइड्स जो है वो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म करते हैं, और इनको जो है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। दी मेटैलिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, एंड जनरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म द मेटैलिक हाइड्राइड्स बिकॉज दे आर मेटल्स। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक को ही इनर ट्रांजिशन भी बोला जाता है, सो दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म दी मेटैलिक हाइड्राइड्स। और मेटैलिक हाइड्राइड्स को फॉर्म तो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेकिन उसमें भी जो है ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए जो इनको हाइड्राइड गैप बोला जाता है। इतना जो ग्रुप्स है, इतना जो स्पेस है 7, 8 और 9, ये एलिमेंट्स जो है हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, तो इनको जो है हाइड्राइड गैप बोला जाता है। और ग्रुप 6 में से भी, जो ग्रुप 6 के एलिमेंट है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम ऐसा है जो हाइड्राइड फॉर्म करता है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स ग्रुप 6, 7, 8, 9 ये पूरे जो है क्रोमियम को छोड़कर ये जो पूरे हैं वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, और इनको जो है हाइड्राइड गैप बोला जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि हाइड्राइड गैप किसको बोलते हैं, तो आपको ये बताना है कि ग्रुप 7, 8, 9 के जो एलिमेंट्स हैं उनका वो जो है वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते और उनको जो हाइड्राइड गैप बोला जाता है। आपको ये नहीं बताना है कि 6, 7, 8, 9, सिर्फ 7, 8, 9 के जो एलिमेंट हैं वो हाइड्राइड गैप में आते हैं, मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं वो मेटैलिक हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते और हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्राइड गैप। Thank you.